नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज गुरुजी में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और शानदार वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है जीमेल के बारे में। जी हां दोस्तों, जीमेल जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले जीमेल को किसने बनाया। अगर आप नहीं जानते तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बहुत सारी जानकारी बताऊंगा जीमेल के बारे में। तो दोस्तों, जीमेल का निर्माण पॉल बुकहाइट के नेतृत्व में गूगल के डेवलपर्स की एक टीम द्वारा किया गया था। यह परियोजना 2001 में एक वेब आधारित ईमेल सेवा बनाने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी, जो उस समय मौजूदा ईमेल प्रदाताओं की तुलना में अधिक कुशल और उपयोगकर्ताओं के लिए एक सर्वश्रेष्ठ साबित हुई। दोस्तों, टीम का प्रारंभिक ध्यान एक खोज आधारित ईमेल सेवा विकसित करने पर था, जो उपयोगकर्ताओं को अपने संदेशों को आसानी से खोजने और उन्हें व्यवस्थित करने की अनुमति देता था। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि वे प्रतिस्पर्धी ईमेल सेवाओं की तुलना में काफ़ी बड़ी स्टोरेज क्षमता की पेशकश कर सकते हैं, जो आमतौर पर दूसरी कंपनियाँ केवल कुछ मेगाबाइट स्टोरेज प्रदान करती थी। अप्रैल 2004 में गूगल ने जीमेल के लॉन्च की घोषणा की, जिसने उपयोगकर्ताओं को 1 GB स्टोरेज की पेशकश की, जो कि उस समय अधिकांश अन्य ईमेल प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली राशि से 100 गुना अधिक थी। जीमेल ने कई नई सुविधाएं भी पेश की, जैसे वार्तालाप थ्रेडिंग, जो संबंधित संदेशों को एक साथ समूहीकृत करता है, और एक शक्तिशाली स्पैम फिल्टरिंग सिस्टम जैसी कई सुविधाएँ प्रदान करता है। जीमेल शुरू में केवल सीमित संख्या में उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध था, जिन्हें मौजूदा उपयोगकर्ताओं द्वारा सेवा के लिए साइन अप करने के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि यह सेवा शीघ्र ही लोकप्रिय हो गई और गूगल ने इसे फरवरी 2007 में जनता के लिए खोल दिया था। अपने लॉन्च के बाद से जीमेल दुनिया की सबसे लोकप्रिय ईमेल सेवाओं में से एक बन गया है, जिसके 2021 तक लगभग 1.5 बिलियन से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जीमेल के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जीमेल का आविष्कार गूगल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पॉल बुकहाइट ने किया था। बुकहाइट ने 2001 में जीमेल के विचार पर काम करना शुरू किया और इसे 2004 में लॉन्च कर दिया। जीमेल शुरू में केवल आमंत्रण बीटा परीक्षण चरण के माध्यम से केवल उपयोगकर्ताओं के एक छोटे समूह के लिए उपलब्ध था, तथा जीमेल नाम गूगल मेल का संक्षिप्त रूप है और इसका उपयोग उन देशों में किया जाता था जहां जीमेल नाम पहले ही लिया जा चुका था। जीमेल को शुरू में 1 GB स्टोरेज स्पेस के साथ लॉन्च किया गया था, जो उस समय की अन्य ईमेल सेवाओं की तुलना में काफी अधिक था। जीमेल के यूजर इंटरफेस को पारंपरिक ईमेल क्लाइंट की तुलना में चैट एप्लीकेशन की तरह दिखने के लिए डिजाइन किया गया था, तथा जीमेल ने एक थ्रेडेड वार्तालाप दृश्य पेश किया, जो संदेशों को उनके विषय के आधार पर एक साथ समूहीकृत कर सकता था। जीमेल ने लेबल भी पेश किए, जो उपयोगकर्ताओं को अपने ईमेल को पारंपरिक फोल्डरों की तुलना में अधिक लचीले तरीके से वर्गीकृत करने की अनुमति देता था। जीमेल पहली ईमेल सेवा थी जिसने फोल्डरों पर निर्भर रहने के बजाय ईमेल खोजने के लिए खोज आधारित दृष्टिकोण का उपयोग किया, तथा जीमेल शुरुआत में केवल अंग्रेजी में उपलब्ध था, लेकिन बाद में यह अन्य भाषाओं के लिए समर्थन जोड़ा गया। बोल्ड और इटैलिक टेक्स्ट जैसे रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का समर्थन करने वाली जीमेल पहली सेवा थी, तथा जीमेल ने शक्तिशाली उपयोगकर्ताओं के लिए अपने ईमेल को नेविगेट करना और प्रबंधित करना आसान बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट पेश किए। जीमेल की स्पैम फिल्टरिंग तकनीक को उस समय की अन्य ईमेल सेवाओं की तुलना में अधिक प्रभावी बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, तथा जीमेल ने प्रायोरिटी इनबॉक्स नामक एक फीचर भी पेश किया, जो महत्वपूर्ण ईमेल को कम महत्वपूर्ण ईमेल से स्वचालित रूप से सॉर्ट कर सकता है। दोस्तों, जीमेल का मोबाइल ऐप 2009 में जारी किया गया था, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए चलते फिरते अपने ईमेल तक पहुंचना आसान हो गया था, तथा जीमेल का मोबाइल ऐप नए ईमेल के लिए पुश नोटिफिकेशन पेश करने वाले पहले ऐप में से एक था। जीमेल ने अंडू सेंड नामक की एक सुविधा भी पेश की, जो उपयोगकर्ताओं को सेंड बटन दबाने के बाद एक संक्षिप्त
अवधि के लिए ईमेल भेजने को रद्द करने की अनुमति देता है। जीमेल ने स्मार्ट कंपोज नाम की एक सुविधा पेश की जो संदर्भ के आधार के ऊपर उपयोगकर्ताओं को अपने ईमेल में शामिल करने के लिए पाठ का सुझाव देती है। जीमेल ने स्मार्ट रिप्लाई नाम की एक सुविधा भी पेश की जो ईमेल के लिए छोटी प्रतिक्रियाओं का सुझाव देती है जिसे एक टैप से भेजा जा सकता है। दोस्तों, जीमेल दो कारक प्रमाणीकरण का समर्थन करने वाली पहली ईमेल सेवाओं में से एक थी जो उपयोगकर्ताओं को खातों में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ती है। जीमेल की सुरक्षा सुविधाओं में संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने और उपयोगकर्ताओं को सचेत करने की क्षमता भी शामिल है, जैसे किसी अपरिचित स्थान से प्रवेश करने की प्रयास करना। जीमेल ने गोपनीय मोड नामक की एक सुविधा भी पेश की जो उपयोगकर्ताओं को समाप्ति तिथियों के साथ ईमेल भेजने और प्राप्तकर्ताओं को संदेश को अग्रेषित करने या प्रिंट करने से रोकने की अनुमति देता है। दोस्तों, उपयोगकर्ताओं के लिए अपने डिजिटल जीवन को प्रबंधित करना आसान बनाने के लिए जीमेल ने अन्य गूगल सेवाओं जैसे गूगल ड्राइव और गूगल कैलेंडर के साथ एकीकृत किया है। जीमेल तीसरे पक्ष के एक्सटेंशन का भी समर्थन करता है जिससे उपयोगकर्ता ईमेल सेवा में अतिरिक्त कार्य क्षमता जोड़ सकते हैं। दोस्तों, 2021 तक 1.5 बिलियन से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ जीमेल दुनिया में सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली ईमेल सेवाओं में से एक बन गया है। जीमेल की सफलता का ईमेल उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है जिससे अन्य ईमेल सेवाओं ने अपना भंडारण स्थान बढ़ाया और प्रतिस्पर्धा के लिए नई सुविधाएं जोड़ी हैं। दोस्तों, जीमेल गूगल खाते वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मुफ्त में उपलब्ध है। हालांकि व्यवसाय अतिरिक्त सुविधाओं के साथ भुगतान किए गए संस्करण की सदस्यता भी ले सकते हैं। जीमेल की लोकप्रियता ने गोपनीयता और डेटा संग्रह के बारे में चिंताओं को जन्म दिया है क्योंकि गूगल विज्ञापनों को व्यक्तिकृत करने के लिए उपयोगकर्ताओं के ईमेल से जानकारी का उपयोग करता है तथा पिछले कुछ वर्षों में जीमेल को कई विवादों का सामना करना पड़ा है जिससे सेंसरशिप के आरोप और उपयोगकर्ता डेटा के प्रबंधन पर आलोचना शामिल हुई है। इन विवादों के बावजूद जीमेल नवाचार और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल सुविधाओं की प्रतिष्ठा के साथ एक लोकप्रिय और व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली ईमेल सेवा बनी हुई है। तो दोस्तों, ये कुछ रोचक तथ्य थे जीमेल के बारे में जो मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल नॉलेज गुरुजी को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और आने वाली नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।